तो पिछली क्लासेस में हमने इफ फॉर्मूला असाइन किया था, और इफ के आधार पर जो हमने कोर्स दिए हैं उनकी फीस ऑटोमेटिक ही कोर्स के अकॉर्डिंग आ जाए उसको हमने असाइन किया था। एक बार इसको हम रिवाइज कर देंगे। असाइन करते हम इक्वल इफ कोष्टक लगाना है, बोल रहा है लॉजिकल टेक्स्ट, तो हमारा वो टेक्स्ट तो हमने सेलेरस दिया F2। लॉजिक क्या है, कंडीशन हमने रखा कि यदि F2 की वैल्यू DCA हो, ठीक है, डबल इंटर में लगाना है इसको, कॉमा क्या करे यदि वैल्यू ट्रू देन वैल्यू फॉल्स। तो फॉल्स वाली कंडीशन अभी हम नहीं दे रहे, ओनली क्या दे रहे, ट्रू। ट्रू होता है तो इसका वैल्यू आ जाए 12,500। फिर अगला इफ यदि, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने दे दिया, यदि इसका वैल्यू हो PGDCA तो इसका वैल्यू आ जाए 13,500, कॉमा फिर हम वही देंगे। आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। आप असाइन कर सकते हैं इफ कोष्टक F2, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। F2 टाइप करके असाइन करेंगे हम वैल्यू टैली हो तो क्या है, तो हमने दिया 3,500, कॉमा फिर से असाइन करेंगे इफ कोष्टक F2 की वैल्यू क्या हो, हमने दिया CPCP तो क्या आए, कॉमा असाइन करके हमने दे दिया उसकी वैल्यू। अदरवाइज क्योंकि यहां क्या बोलता है, वैल्यू इफ फॉल्स, कॉमा लगाते ही इफ फॉल्स शो कर रहा है, फॉल्स हो तो हमने कहा कि ब्लैंक छोड़ दें, कुछ नहीं है, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। और इसी को सभी पर लागू करने के लिए डबल क्लिक करके और सभी पर लागू कर देंगे इसको, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर कोर्स होगा DCA, एंटर करेंगे तो ये फीस 12,500 आ जाएगा। टाइपिंग के दौरान कभी कभी कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये कर देते हैं, कुछ यूजर यहाँ ये कर देते हैं कि PGDCA के बाद स्पेस दे दिया, तो स्पेस एक कैरेक्टर है, और यदि यहाँ पर एक कैरेक्टर जनरेट हुआ है तो एक्सेल फॉर्मूला उसको एग्जैक्ट मैच करता है कि PGDCA है। स्पेस आपने यदि फॉर्मूला में असाइन किया है तो फिर हर जगह करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली हम हर जगह नहीं करते। टाइपिंग में यदि छोटी सी गलती होती स्पेस की तो यहाँ और यहाँ आपको पकड़ में नहीं आता कि गलती क्या है। आप कहेंगे PGDCA यहाँ पर फीस आ रही है जबकि यहाँ पर PGDCA में फीस नहीं आ रही है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ टेक्स्ट आपने डबल इंटर कॉटेशन चिन्ह के अंतर्गत दिया है तो ऐसा कैसा ही आपको असाइन करना है, यानी उसको एग्जैक्ट मैच करना है आपको कि क्या हमने डेटाबेस में दिया है। यदि ऐसा आप करते हैं तो स्टेटमेंट फॉल होगा। यदि हम इसको डिलीट करके और फिर से असाइन करते हैं PGDCA, देन एंटर करते हैं बिना स्पेस के, ये फीस यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। अब ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन हम चाहें कि अभी एडमिशन आई नहीं है तो फीस जीरो हो गया है। अब इसके आगे की हम कहानी को भी समझ लेते हैं। यहाँ आ रहा है इनरोलमेंट नंबर, तो हम चाहेंगे कि हमने जो इनरोलमेंट नंबर पिछली क्लासेस में सिलेक्ट करके आगे तक खींचा था, जनरेट किया था, इसको हम बोल दें, हम चाहते हैं कि जैसे ही एडमिशन आए वैसे ही नंबर आए, अदरवाइज ये नहीं आए। जैसे यहाँ पर कोर्स आ रहा है, असाइन कर रहे हैं तो फीस आ रही है कोर्स की, अदरवाइज यहाँ पर फीस नहीं आ रही, तो ऐसा ही मामला हम इनरोलमेंट में सेट करना चाहेंगे। उससे हमें ये पता होगा कि आज की डेट में एडमिशन हुए कितने हैं, क्योंकि उसका सीरियल नंबर यहाँ पर जनरेट होगा। यदि ये नंबर पहले से अवेलेबल है तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी या जो मात्रा है, संख्या बोलेंगे हम, वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं आ रहे कि कितने एडमिशन हुए हैं। हमने जितना सीरीज जनरेट कर दिया वो तो ब्लैंक का है, तो हम चाहेंगे कि नेम दें, देन सीरियल नंबर जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम इफ का फॉर्मूला असाइन करेंगे। क्या करते हैं, इक्वल इफ कोष्टक असाइन करेंगे और नाम हमारा स्टूडेंट का इस सेल में है यानी सी में है, तो हमने दिया C2 इक्वल क्या हो यदि ये ब्लैंक हो। इसको हम उल्टा फॉर्मूला, यानी यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहे जबकि यहाँ पर हमने वैल्यू दिया था कि यदि इसकी वैल्यू हो तो ऐसा करे, तो हमने कहा कि यदि ये ब्लैंक हो तो क्या करे, तो बोले कि ये ब्लैंक ही आए। यदि ब्लैंक है यानी कोई वैल्यू नहीं है तो ये भी ब्लैंक ही आए, तो ये भी ब्लैंक आएगा, एंटर। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये नाम ब्लैंक है तो ये ब्लैंक आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर कोई भी डेटा लिखा हो
यानी सेकंड कंडीशन, यदि वो ब्लैंक वाली स्थिति ट्रू नहीं हो रही है तब क्या है, तो यहाँ देखिए फॉल्स बता दिया, तो हम कहेंगे फॉल्स नहीं आए, यहाँ पर एक नंबर आ जाए, क्या नंबर आए, तो कॉमा असाइन करके, कॉमा असाइन करके हमने असाइन कर दिया वन, तो यहाँ पर वन आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट में क्या टू। तो यदि हम इस फॉर्मूले को असाइन करते हैं यानी डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ब्लैंक आ गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई नाम हमने टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल अजय हमने टाइप किया, तो यहाँ पर भी वन आ रहा है, तो ऑटोमेटिक टू कैसे आए, क्योंकि यहाँ पर कैसे समझे कि यहाँ पर वन ना देते हुए टू देना है। तो क्या हम हर फॉर्मूले में नंबर एडिट करेंगे फॉर्मूले को, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू में ये वन है, इसमें एक प्लस कर दे, तो डबल क्लिक करना है और इसका सेल एड्रेस दे देना है, कॉमा इसका सेल एड्रेस, सेल एड्रेस यानी ए टू, ए टू में जो ए टू आया है उसमें प्लस एक जोड़ दे, तो ए टू में वन है तो वन को प्लस करेगा। अब जब इस फॉर्मूले को आप नीचे नेक्स्ट में लागू करते हैं, तो क्या होगा कि यहां पर क्या किया, ए टू प्लस वन हुआ, जब आप नेक्स्ट सेल में जाएंगे तो यहां पर सीरीज को उसने आगे बढ़ाया है, तो ए थ्री, तो ए थ्री की वैल्यू क्या है, टू, टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री। जब यहां आप जाएंगे तो यहाँ थ्री आ चुका होगा, लेकिन ये थ्री कब आएगा, यदि आपने स्किप कर दिया है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें यहां से यानी बिना स्किप किए ही इसको आगे बढ़ाना है। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर टाइप किया अमित, नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है थ्री, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ए फोर प्लस वन, तो ए फोर की वैल्यू है थ्री प्लस वन, ऑटोमेटिक यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जनरेट होता जाएगा। और यदि आपने इस वैल्यू को डिलीट किया, ऑटोमेटिक नंबर भी, क्यों, क्योंकि क्या कंडीशन क्या है, यदि ये ब्लैंक हो उस मामले में ये ब्लैंक ही आए, ठीक है। तो हमने यहां से फॉर्मूला असाइन किया, असल में फॉर्मूला तो हमें यहां से असाइन करना है, तो यहां पर हमने वन टाइप किया, हम चाहते हैं कि यहीं से ये मामला ऑटोमेटिक सेट हो जाए, हमें इस वन को भी टाइप न करना पड़े, तो उसके लिए एक फॉर्मूला एक्सेल में, उसको आप नोट करें, इक्वल रो का फॉर्मूला। ये रो और कॉलम का फॉर्मूला क्या करता है कि इस रो का नंबर क्या है, यदि हम इस रो को देखें तो वन टू थ्री फोर नंबर का ये रो है, तो ये फोर नंबर जनरेट करेगा। इसी प्रकार कॉलम का फॉर्मूला होता है कॉल और कोष्टक, कोष्टक खुला कोष्टक बंद, यानी आपको ऐसा देना है तो ये क्या करेगा, कॉलम की वैल्यू असाइन करके देगा, कॉलम कोष्टक बंद पूरा कॉलम, कॉलम भी फोर है, इत्तेफाक से ऐसा हो गया वन टू थ्री फोर, तो दोनों का संख्या सेम आया, लेकिन कहीं और यदि आप इसको असाइन करेंगे, जैसे यहां पर इक्वल कॉलम इक्वल कॉलम कोष्टक बन, देन एंटर किया, ये थ्री जनरेट होगा। अब इस कॉलम का क्या करना है, इस फॉर्मूले का, तो इस फॉर्मूले को हमें इफ के साथ में असाइन कर देना है, जहां पर हमने वन दिया, यानी यहां पर हमने वन दिया, इस वन की जगह पर हम असाइन कर देंगे रो का फॉर्मूला, रो कोष्टक खुला कोष्टक बंद। अब ये कोष्टक जो है ये रो का फॉर्मूला है, जबकि ये कोष्टक बंद हुआ है ये इफ का फॉर्मूला है, देन एंटर करेंगे तो यहाँ पर नंबर हुआ है टू जनरेट। लेकिन क्या ये सही क्रम है, क्योंकि हमारा तो चाहिए हमें वन, जबकि यहाँ पर रो का नंबर क्या आया है, टू, तो हम टू में से यदि माइनस करते हैं वन, तो ये डिपेंड करता है कि आपका नंबर कौन सा है। कभी कभी ये होता है कि चार रो आपने सेलेक्ट छोड़ करके फिर नंबर जनरेट करना है, तो आपको क्या करना है कि उस रो का नंबर आएगा फाइव, फाइव माइनस फोर कर देना है, तो आपका वन सेस बचेगा, उसी का नंबर को जनरेट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा नंबर टू आया है, इस टू में हम माइनस कर देते हैं, माइनस वन जब आप करेंगे तो यहां पर वन आ जाएगा, और बस इसी फॉर्मूले को आपको लागू करना है, तो ये आपका एक सही तरीके से ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होता जाएगा। इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ सी टू इक्वल ब्लैंक, यदि ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, अदरवाइज रो का नंबर यहाँ पर जनरेट करे, और रो में से टू नंबर आएगा रो का, उसमें से वन माइनस कर दे। अब ऐसा हर जगह पे होगा, यहां पर जब जाएंगे तो यहां पर रो का नंबर आया है थ्री, थ्री में से माइनस हुआ है वन, तो कितना आएगा टू, तो हमें चाहिए भी क्या था, टू, तो हर इसमें से एक एक नंबर ये माइनस करेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ ऑटोमेटिक सेल नंबर वाला, और यहाँ है हमारा कोर्स,
यदि नाम नहीं है तो ये नंबर नहीं आएगा। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर एनरोलमेंट को भी जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन एनरोलमेंट में हम चाहते हैं यूनिक कॉम्बिनेशन। यूनिक कॉम्बिनेशन में इस प्रकार का एनरोलमेंट हम चाहते हैं जिससे स्टूडेंट की पहचान हो जाए कि स्टूडेंट किस सेशन में एडमिट हुआ है, एडमिशन कब हुआ है उनका, वो पता चल जाए। तो हम सबसे पहले चाहेंगे ईयर, किस ईयर में स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। फिर विश्वविद्यालय में दो सेशन चलते हैं, एक जुलाई सेशन और एक जनवरी। तो जुलाई का JU आ जाए और जनवरी का JA आ जाए, क्योंकि दोनों में एक सिंगल कैरेक्टर लेंगे तो दोनों में जे जे है, तो जे जे से पता नहीं चल पा रहा है, तो JU से पता चल पा रहा है कि जुलाई है और JA से पता चल पा रहा है कि जनवरी है। तो कितना लेटर आपको लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कोई संस्थान कहते नहीं, थोड़ा नाम भी आए उसमें तो वो भी असाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इतना ही चाहेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम चाहेंगे कि कोर्स का भी जिक्र हो कि DCA का स्टूडेंट है कि PGDCA का स्टूडेंट है, तो वो भी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। और स्टूडेंट का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना कि टाइप किया हुआ है उदाहरण के तौर पर कोर्स, ठीक है, DCA है और एक मामले में PGDCA है। तो हम यहाँ पर असाइन करते हैं सबसे पहले क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए उदाहरण के तौर पर 22, तो इक्वल डबल यूनिटेड में हम असाइन कर देंगे 22, ये हम देंगे कॉमा, या इसके साथ में आप कॉमा लगा करके एंड लगा दें, एंड यानी 22 एंड उसके साथ में क्या आए। तो हमने दे दिया कि DC और PGDCA में फर्स्ट फर्स्ट लेटर ले लें, क्योंकि हमारे चारों कोर्स इस प्रकार से है कि जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करे। एक में डी आ रहा है, एक में पी आ रहा है, एक में टी आ रहा है और एक में सी आ रहा है। CPCT के लिए सी, टैली के लिए टी, DCA के लिए डी, PGDCA के लिए पी, ठीक है। तो यदि यहाँ ऐसा मैच करने वाला कोई कोर्स बन जाता है कि दो कोर्स में डी आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम अन्य नेक्स्ट लेटर से उसको असाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक एक लेटर आ जाए यहाँ पर। तो एक तरीका तो ये है कि हम एंड लगा करके डबल यूनिटेड में लिख दें या इसी स्टोरी में लिख दें, तो लिखने वाला मामला तो ठीक नहीं रहेगा। यहां से यदि हम लिखते हैं 22 और डी लिखेंगे तो यहाँ से पहचान नहीं हो पाएगी। हम चाहते हैं कि यहाँ डी है तो डी आए और यहाँ पी है तो पी आए। तो इसके लिए एक और फॉर्मूले की ओर हम जाएंगे, और वो फॉर्मूला होता है लेफ्ट एंड राइट का एक्सेल के अंतर्गत। लेफ्ट क्या करता है, किसी भी सेल या टेक्स्ट में से लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, जितने भी आप चाहते हैं उतना लौटाता है। सेम इसी प्रकार राइट का है, तो हमें लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम टाइप करेंगे इक्वल लेफ्ट कोष्टक, उसका सेल एड्रेस भी दे सकते हैं आप, जैसे DCA है, या टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन सेल में जो वैल्यू रहेगी वो आ जाए तो वो हम देंगे। सेल का एड्रेस दे दिया, कॉमा लगाते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें कितने चाहिए, तो हमें चाहिए 1, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर डी आया है। यदि आप यहाँ पर नंबर 2 देते हैं तो दो कैरेक्टर ये लौटाएगा आपको, डी और सी। 3 आप देंगे तो DCA आएगा, PGDCA में भी PGD तक आएगा। तो कितने चाहिए हमें, 1 कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर असाइन करेंगे 1, ठीक है। अब यही फॉर्मूला, यहाँ पर हमने फॉर्मूले को अलग से समझा, अब इस फॉर्मूले को उठा करके हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, यदि हम इसको डबल क्लिक करें तो डबल नोटेड दिया, एंड इसके साथ में क्या है, तो एंड इसके साथ में हमने यदि सेल का एड्रेस दिया यानी F2 दिया, तो ये लिख करके देगा 22 DCA, जबकि हमें क्या चाहिए, DCA में से सिर्फ D चाहिए। तो हम यहाँ पर असाइन कर देंगे एंड करके, यहाँ असाइन करेंगे हम लेफ्ट का फॉर्मूला। लेफ्ट कॉमा लगा के हमने असाइन किया लेफ्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट एड्रेस है हमारा F2, कॉमा कितना चाहिए, 1 कैरेक्टर, कॉस्ट ऑफ बंद करेंगे देन एंटर। तो यहाँ 22 D आ गया है। इसके साथ ही साथ हम इस सीरीज को आगे बढ़ा देते हैं। यहां D आया है, यहां P आया है, ठीक है। जबकि हम सेशन चाहते हैं पहले, तो सेशन हमने यहाँ असाइन नहीं किया है, ठीक
आई थिंक। ठीक है, तो हम एक कॉलम यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। सबसे पहले ही कर लेते हैं, यानी नेम के जस्ट यहीं पर। तो कभी भी आपको कहीं पे भी रो और कॉलम की आवश्यकता है, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप कॉलम की आवश्यकता है इंसर्ट कॉलम करिए, ये आ जाएगा कॉलम हमारा। और यहाँ पर हम असाइन करेंगे जुलाई सेशन, और यहाँ पर असाइन करेंगे हम जनवरी सेशन। तो 22 के बाद हम JU चाहते हैं और JA चाहते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे, जहां हमने एंड सिंबल लगाया यहीं पर पहले हम इसी का एड्रेस दे देते हैं, J2 की जगह हम असाइन कर देते हैं C2, लेकिन इसमें हमें दो कैरेक्टर चाहिए तो हम कॉमा लगा करके देंगे 2। तो यहाँ 22 JU आ गया है। इसके बाद PGDCA DCA देते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि 22 के पहले कैरेक्टर होंगे और फिर नंबर होगा फिर कैरेक्टर होगा तो ठीक रहेगा, यदि JUP लिखाएगा तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो या तो JU या JA को आगे बना दें हम और फिर P लगा दें, या P और D को पहले आगे बना दें हम। ठीक है, तो हम चाहते हैं कोर्स का कोड हमारा आगे आ जाए, तो यहाँ पर यानी जहाँ डबल रोटेट में हमने 22 दिया है, यहाँ पर हम असाइन करेंगे लेफ्ट का फॉर्मूला, लेफ्ट कोष्टक लेफ्ट लेफ्ट के बाद लगाना हमें कोष्टक, और देना है टेक्स्ट एड्रेस G2, कितने कैरेक्टर 1, कोष्टक 1, कॉमा असाइन करना है, फिर डबल नोटेड में हमने 22 देना है, एंड लेफ्ट का फॉर्मूला। कॉमा असाइन नहीं करेगा यहाँ पर, यहाँ पर भी एंड ही लगाना है आपको। क्या है लेफ्ट, ये लेफ्ट देगा, एंड 22 डबल इंटर में दिया, फिर एंड लेफ्ट का फॉर्मूला हमने असाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में ही लेफ्ट लेफ्ट का फॉर्मूला है, लेकिन एक में हमने 1 कैरेक्टर लिया है जबकि एक में हमने 2 कैरेक्टर लिया है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ गया है हमारा 22 इस प्रकार से नंबर। इसके बाद हम चाहेंगे कि यहाँ स्टूडेंट के नंबर आ जाए, ये तो हमारा हो गया है कोर्स ईयर सेशन, इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहीं पर हम इसको आगे बढ़ा देंगे एंड करके, एंड लगा करके आपको दे देना है सेल का एड्रेस, और ये नंबर ऑटोमेटिक नाम के अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा। ठीक है, और फिर हमें करना है एंटर, तो ये स्टूडेंट का नंबर यहाँ पर एनरोलमेंट ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। ठीक है, जो भी कोर्स है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये भी कब जनरेट हो, तो ये भी तब जनरेट हो जब कोई नाम हमने टाइप किया है, हम ये ऑटोमेटिक पहले से जनरेट करके नहीं रखेंगे। जब हमने कोई नाम टाइप किया है, जब नाम टाइप नहीं हो तो वैसी स्थिति में ये भी ब्लैंक आए, तो यहां पर भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल, यानी इसके आगे हम असाइन कर देंगे इफ, यदि क्या हो इस एड्रेस यानी डी। तो कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में भी कि फॉर्मूला फॉन्ट साइज बड़ा हो गया या फॉर्मूला बहुत बड़ा हो गया तो सेल को सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है, तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, आप देख पा रहे हैं कि कॉलम कौन सा है और रो कौन सा है, तो आप टाइप कर दीजिए D2, D हमारा कॉलम है, 2 हमारा रो है, क्या हो इक्वल हम असाइन करेंगे कि यदि ये ब्लैंक हो तो क्या आए, बोले ब्लैंक आए, अदरवाइज ये फॉर्मूला हमारा लगे कौन सा लेफ्ट का, और सारी चीजें इसमें असाइन हो, एंटर करें। और इस फॉर्मूले को हम डबल क्लिक करके और सभी पर लागू कर सकते हैं, यहाँ यदि कोई वैल्यू नहीं होगी तो ये नहीं आएंगे, और यदि यहाँ वैल्यू है तो ये आएगा, ये वैल्यू भी हम टाइपिंग के दौरान ही देंगे, जैसे ही हमने किसी एक एडमिशन किसी का भी स्टूडेंट का एडमिशन लिया और कोर्स डिफाइन किया, कोर्स डिफाइन करते कोर्स फीस आ रही है, और यहाँ पर भी उनका सेशन भी हम डालेंगे, ये नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे ऑटोमेटिक, ये भी हमारा पहली वाली सीट से आएगा, तो ये हम जैसे ही डालेंगे सेशन, एक और ईयर का भी यदि हमने 22 दिया है, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि यही एक डेटा सीट हमारा हर वर्ष के लिए काम आएगा, यदि ये 23 के लिए आता है तो ऑटोमेटिक 23 भी यहाँ पर आ जाए, तो हम एक कॉलम और ले लेंगे यहाँ पर, और उसमें हम डाल देंगे ईयर, यानी इंसर्ट करते हैं हम एक कॉलम और यहां पर हम डाल देंगे ईयर।
और इस ईयर में यहां पर हम डालेंगे 2022। अब इसमें 22 इधर है और हमें यहां पर 22 चाहिए, डबल क्लिक करके और जहां हमने डबल न्यूट्रेट में 22 दिया है यहां पर इसको हटा करके आप असाइन कर दीजिएगा राइट का फॉर्मूला। राइट किस में है हमारा ईयर? C2 में। तो हम कोष्टक लगा करके, कोष्टक लगा हुआ है यहां पर, हम देंगे C2 कॉमा, कितने कैरेक्टर चाहिए राइट से? 2 कैरेक्टर चाहिए। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो D22JU1, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर जनरेट हो जाएगा। और जो फॉर्मूला है इसको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, अभी कर पाएगा, हम आगे इसको लॉक करना सीखेंगे। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक सेट होने वाली है, बस हमें इसको फीड करना है। जैसे डेटा फीड होगा आपका, एनरोलमेंट नंबर, सीरियल नंबर, कोर्स फीस, ये सब हमारा जनरेट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।